गई हमारे पड़ोसी हैं, उनकी गाड़ी अचानक से कहाँ ख़राब हुई है, जंगल के बीच में। भाई क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया है, कैसा है? बढ़िया। जैसे हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है उसी प्रकार उसके कार को भी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोल की। और सबसे पहले हम डलवा दें पेट्रोल, उसके बाद निकलते हैं अभी। तो भैया जी, फिर से स्वागत है आपका एक फ्रेश व्लॉग में। और सीन कुछ ऐसा है, आज है मंगलवार और हमारा है ऑफिस की आज छुट्टी, और हम लोग फिर से निकल पड़े हैं एक नए व्लॉग बनाने के लिए, नई डेस्टिनेशन पर। नई डेस्टिनेशन नहीं बोलेंगे, हमारी पहले भी हमने उस डेस्टिनेशन का व्लॉग बनाया है। हम जा रहे हैं रामनगर से मात्र 30-32 किलोमीटर की दूरी पर, थोड़ा पहाड़ों की ओर, मरचूला। बहुत बेहतरीन जगह है मरचूला, आपने इससे पहले भी मेरे व्लॉग में देखा होगा। बहुत सबसे मैंने पहले व्लॉग बनाया, जब शुरुआत में ब्लॉगिंग करता था मैं, तो उसमें मेरा सबसे 7-8वां वीडियो वहीं मरचूला का ही है। तो आज फिर से हम मरचूला जा रहे हैं, मरचूला में थोड़ा इन्जॉयमेंट करेंगे, थोड़ा लंच वंच करेंगे, और 2-3 लोग साथ में जो हमेशा साथ में रहती हैं, गौरव भाई हैं और अपने मन्नू राणा ब्लॉग जी। हेलो गाइस। तो बस घर से निकल गए हैं, जा रहे हैं अपनी अम्बाला से, और ये अभी हम पहुंच चुके हैं टिकली, और खाली पेट भजन नहीं होते हैं, इसलिए मन्नू भाई लेने जा रहे हैं कुछ स्नैक्स। तो भैया जी, हम पहुंच चुके हैं धनगढ़ी नाले पर। ये देखिए धनगढ़ी नाले की बरसातों में कैसी स्थिति हो जाती है, और आजकल कुछ ज़्यादा ख़राब इस वजह से है क्योंकि यहाँ पुल का निर्माण चल रहा था, इस वजह से वो स्थिति और ज़्यादा ख़राब है। और यार ये हमारे गांव के हैं, पूछड़ी गांव के ही हमारे पड़ोसी हैं, उनकी गाड़ी अचानक से कहाँ ख़राब हुई है, जंगल के बीच में। भाई क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया है, कैसा है? बढ़िया। कैसे गाड़ी ख़राब हो गई तेरी? कितनी देर हो गई? स्टार्ट नहीं हो रही। देखो तो भाई क्या चीज़ है, तेलुल है पुल, ये उतार लेना पहले इसमें, तो या तो फिर धीरे लाओ ना, देखना। चौबी मारे की है, अचानक से कैसे? दूसरा हेलमेट। क्या हेलमेट? दूसरा दिखता है। गिरे गिरे हो क्या? हाँ यार, पड़ गया। ब्लेड ब्लेड हो गया इसमें। अरे चोट चोट उठ तो नहीं लगी ज़्यादा? चोट तो नहीं लगी? हैं? ये तेरे इंडिकेटर वगैरह टूट गया, अच्छा है, स्लिप हो गया होगा तो यहाँ। ए यार देख के चला यार तू भी यार, ज़्यादा साइड ले आया होगा ना, हो गई हो रही है इसमें है। मनु भाई ज़्यादा देर कुछ मारती है इसे, इसे ठंड में खड़ी करो पहले। हाँ ये मेरे को भी लग रहा है गर्म होगी, गर्म हो रही। इसे ठीक मारा, इसे ठाड़ी गाड़ी का ना, पहले ठंड में खड़ी करो मन भाई इसे। ठीक है, पाइप सा भी दिख रहा है निकला हुआ, ठीक है। वो तो पहले से निकला हुआ है। और ये देख रहे हैं गाइस, भाई की गाड़ी कहाँ ख़राब हुई है, बिल्कुल जंगल में आके। वो भी हमारे जान पहचान का लड़का है यार, हमारे गाँव का ही है। तो गाइस 15 मिनट की मशक्कत के बाद हमारे मन्नू भाई ने गाड़ी कर दी है भाई की स्टार्ट, मैकेनिक का काम भी स्टार्ट करेंगे। देखिए मन्नू भाई का जबरदस्त एक्सपीरियंस है हर लाइन में हमारे मन्नू भाई को। आधा घंटा लगने के बाद देखिए मन्नू भाई ने भाई की गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है।
और भाई बिल्कुल परेशान हो गया था, मतलब कोई मिल भी नहीं रहा था, हम लोग रुक गए थे तो मन्नू भाई ने, ठीक है ललित, और आराम आराम से जाना है, हाँ आराम आराम से जा, ठीक है ओके भाई। ओ मन्नू भाई आपकी क्या क्या कलाएं हमें देखने मिलेंगी, कितनी कलाएं हैं आपके अंदर सब बता रहा है यार। आप हम मल्टी लोगों के साथ रह गए, हम भी मल्टीपल हो गए। देखा तो गाइस, देखा हमारे ग्रुप में हर कोई मल्टी टैलेंटेड है। और इस भाई की गाड़ी भी इतनी गलत जगह पे खराब हुई थी गाइस, बहुत ही देखे कितना डेंस जंगल है यहाँ पे, बिल्कुल निपटना। तो गाइस एक लाइक और एक कमेंट्स मन्नू भाई के लिए स्पेशली कर देना, क्योंकि मन्नू भाई ने उसकी इतनी जबरदस्त हेल्प करी है, बेचारा बहुत परेशान हो गया था। वैसे गौरव भाई ने भी प्रयास किया था, गौरव भाई के जो आगे मोहान है चुकुम में जान पहचान के लोग हैं, लेकिन बट यहाँ नेटवर्क ही काम नहीं करते, नहीं तो वहीं से मिस्त्री बुला देते। और मन्नू भाई फिर से आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई की हेल्प हो गई यार, भाई परेशान था, बस हम सब ने मिल के मदद करी भाई की, नहीं तो ऐसे घने जंगल में कुछ भी हो सकता था। और हाँ, तो और मैं अभी आपको उसी बीच हम चल रहे हैं जिस बीच उस मुरादाबाद के लड़के को टाइगर बाइक से उठा कर ले गया था, यहाँ से जहाँ से वो रास्ता, जहाँ उसकी बंदे की बाइक ख़राब हुई थी, उसके बाद से और मोहान के बीच में, ये बीच वाला वही एरिया है जिस एरिया से उस बाइक वाले को टाइगर बाइक से उठा कर ले गया। तो गाइस देखिए वही जंगल है, इसी जंगल से उसको बाइक से उठा कर ले गया रात को कम से कम 7-7:30 बजे चलती बाइक से टाइगर बाइक वाले। और हाँ, और यकीन उसकी बॉडी तक नहीं मिल पाई है, लगा लिया अभी तक नहीं मिल पाई है, शायद मेरे ख्याल से एक हाथ उसका मिला था, केवल एक हाथ उसका बरामद किया गया था, उसके बाद उसकी बॉडी नहीं मिल पाई है पूरी, लगा लीजिए। और ये वही बीच का एरिया है जिस एरिया में उसको उठाकर ले गया था टाइगर। हमारे साथ कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं, मरचुला में हमें मिल गए हैं हमारे डायरेक्टर साहब, डीओपी साहब हमारे, क्या हाल चाल है सर? और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे ब्लॉग में। क्या हाल है सर, आज कैसे घूमने इधर? बस बस, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? हम थोड़ा काम से आए थे पर्सनल। अरे छुट्टी थी, हमने कहा थोड़ा घूम आते हैं, ये देखना है तुम किसके साथ आए हो। हाँ हैं, मैं भी चेक करता हूँ, टेम्पो चेक करता हूँ पूरा है। बस अभी कहाँ जा रहे हो आगे? बस थोड़ा मरचुला जा रहे हैं, थोड़ा लंच उंच करते हैं, दाल भात खाते हैं, उसके बाद सीधा घर। चलो फिर मिलते हैं। आप लोग इनसे तो परिचित हैं, ये हमारे डीओपी साहब हैं पुनीत बोड़ाई जी, ये कुछ यहाँ अपने काम से आए थे। पुनीत भाई अपने कुछ काम से आए थे यहाँ पे, और ये भी हमें आज अचानक से यहाँ मिल गए। आज हमें बहुत अपने गांव के भी एक बंदा मिला था जिसकी वो बाइक ख़राब हो गई थी, और यहाँ से पुनीत भाई भी हमें अचानक से मिल गए। आज बहुत लोग आज जान पहचान के मिल रहे हैं, और इसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि आज छुट्टी का दिन भी है, इसलिए लोग इधर उधर थोड़ा आवागमन भी कर रहे हैं, घूम भी फिर रहे हैं। नहीं वैसे पुनीत भाई जान पहचान का दोस्त हमारा और है, क्रोकोडाइल, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, सोने पे सुहागा होगा। बस अब कुछ ही दूरी पर है यहाँ का मरचुला का फेमस क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट, वहाँ चलते हैं, आपको वो व्यू पॉइंट भी दिखाते हैं। आपने मेरे पहले ब्लॉग में भी देखा है वो व्यू पॉइंट, उस दिन हमें क्रोकोडाइल नहीं मिल पाया था, आई होप आज मिल सकता है क्रोकोडाइल, क्योंकि आज हमारे साथ लक्की चार्म है, सभी लक्की हैं। क्यों मन्नू भाई आज लक्की है हो रहे हैं हम कुछ आज? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगा कि आज हमारे साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड घट रहा है ना, जो हम नहीं कर रहे ना वो चीज़ घट रही है। दो लोगों का, जान पहचान वालों का मिलना, उस बंदे की गाड़ी ख़राब होना, उसको सही करवाना, फिर अब पुनीत भाई का भी मिलना। पुनीत भाई तो हमारे बहुत ज़्यादा खास हैं, है ना, गौरव भाई के ज़्यादा खास हैं। हाँ, वो पुनीत भाई वैसे इनके खास हैं, और ये अब पुनीत भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है। और एक्चुअली जो पुनीत भाई जिस काम से आए थे उन्होंने अपना काम निपटा दिया है, अब जिनके साथ ये आए थे उनको इन्होंने रामनगर भेज दिया, और ये हमारे साथ ही अब ज्वाइन कर लिया है इन्होंने, अभी हमारे साथ ही दाल चावल खाएंगे। दाल चावल पार्टी, वो वाली वो कहावत सुनी ना आपने, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो आज के आपके दाल चावल शायद हमारे साथ थे, इसलिए देखो भगवान ने भी आपको हमसे मिला दिया, और मुझे बहुत खुशी मिल गई आपसे, मरचुला में हमारे भाई लोग मिल गए हैं। कंधे कंधे में सर रख के रो रो थोड़ा, वो छोटे वाली वो है, छोटी वाली उसको बोलते हैं वो
तो भैया जी हम पहुंच गए हैं मरचूला में, फेमस क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट। क्या क्या कर दिया है? कौन? और गाइज ये रहा क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट। बहुत लक्की लोग होते हैं वो जिनको यहीं पर क्रोकोडाइल देखने को मिलता है। और कितनी बार मिला है, किस किस को देखा है वैसे? किसी ने चारों में से किसी ने देखा है? मैं आया हूं, मेरे को एक बार नहीं दिखा है क्रोकोडाइल। गौरव भाई आपको देखने मिला है कभी क्रोकोडाइल? हाँ, सबसे पहली बार जब आया। मैं तो चाहूंगा दिखा है। अच्छा आपको मिला है? अच्छा गौरव भाई हैं, इसको हटा दिया, हमने व्लॉग बनाया था उसमें भी नहीं दिखा। हां हां मैंने बता दिया है कि हमने यहां का पहले भी व्लॉग बनाया है, उसमें भी हमें अनफॉर्चुनेटली देखने नहीं मिला। एक्चुअली उस दिन तो पानी बहुत ज्यादा मटमेला था, आज थोड़ा पानी वैसे अभी भी साफ नहीं है, पानी हल्का सा आ रहा है मटमेला, बट क्रोकोडाइल दिखने के चांसेस कम ही है। एक्चुअली धूप भी नहीं हो रही है, अगर धूप होती है तो वो जाड़ों में ज़्यादा, जाड़ों में चांसेस ज़्यादा होते हैं देखने के। हाँ जाड़ों में ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि जाड़ों में धूप सेकने आता है, इन पत्थरों पर ही धूप सेकने आता है तो मिल जाता है। और यहाँ आज फिर से हम उदास होके जाएंगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों? कुछ और चीज़ में हम यहाँ पे धमाल में जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ना हम आज से आए थे ना कि आज शायद क्रोकोडाइल मिल जाए देखने के लिए। चलो मन्नू भाई जाओ पानी में, उसकी भी अपनी फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, वो देख रहा है यार। हाँ, ये भी हो गया मन्नू भाई, वो भी कमाई धमाई में लगा है। मन्नू भाई जाओ पानी में जाओ, तुमको देखेंगे आज। मन्नू भाई आज तुम कपड़े उतार के पानी में जाओ, हम तुम्हें जलपरा करके देखेंगे। जलपरी होती है, हम जलपरा करके देखेंगे तुम्हें। वैसे जैसे ये हमारा क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट है, उनके लिए नीचे से ह्यूमन पॉइंट है। दिखाना कोने वोने सब दिख गए। हाँ तो भैया जी सीन कुछ ऐसा है जैसा कि आपको पता है, आज हमारे इस व्लॉग में हमारे साथ अनएक्सपेक्टेड घट रहा है, और फिर से हमारे साथ एक अनएक्सपेक्टेड चीज घट चुकी है, और आज हमें मिल चुका है क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट में क्रोकोडाइल। तो गाइज हमें मिल चुका है क्रोकोडाइल, आप देखिए। एक्चुअली गोप्रो में तो जूम नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे में, दिखाओ कैमरे में। ये देखिए गाइज आपको क्रोकोडाइल दिख रहा होगा, ये व्हाइट कलर का क्रोकोडाइल दिख रहा होगा गाइज, ये देखिए। डीएसएलआर में देख सकते हैं, देखिए गाइज ये व्हाइट कलर का क्रोकोडाइल दिखा है सामने। एक फुट अलग से डाल लेंगे। ये रही, ये रहा क्रोकोडाइल गाइज। और देखिए अभी डीएसएलआर में दिखाते हैं, हमने फोटो क्लिक किया गौरव भाई ने इसकी, देखिए ये देखिए आप अंधेरे में आ जा रहा है। हम डीएसएलआर में दिखाते हैं आपको गाइज, देखिए यार यार आज तो अनएक्सपेक्टेड घट रहा है हमारे साथ। ये देखिए हमने फोटो क्लिक की है, ये देखिए गाइज ये लेटा है पुनीत भाई। यकीन मानिए आज व्लॉग में इतना अनएक्सपेक्टेड घट रहा है, और फिर आपके आने से फिर से अनएक्सपेक्टेड घट चुका है, और हमें मिल चुका है क्रोकोडाइल। और गौरव भाई बहुत ही लक्की लोग होते हैं जिनको मिलता है, और आज हमें मिल गया है। हम पहले वाले आए थे उसमें भी नहीं मिला था, लेकिन इस बार हमें मिल गया है गाइस। वाह मन्नू भाई क्या है रिएक्शन आपका, देखो मजा आ गया, मजा आ गया ना, दिख गया ना क्रोकोडाइल। मैं तो कह रहा था अगर दिखता नहीं है तो क्रोकोडाइल पॉइंट लिखा से मिटा दो। आना सफल हो गया है। अरे वाह सफल दिखी गया, पत्थर नहीं जा रहा है। ओ गाइस आपको वीडियो में थोड़ा कम दिख रहा होगा, एक्चुअली वो थोड़ा सा दूर है हमसे, लेकिन मैंने अभी आपको इसके मैं शॉट दिखाता हूँ। गौरव भाई इसके फोटो ले रहे हैं अभी, फोटो देखिए डिस्प्ले में फोटो चल रहे होंगे, ये जो डिस्प्ले में फोटो चल रहे हैं ये इसी क्रोकोडाइल के जो वहाँ लेटा है। ये देखिए सामने यहाँ पर है वो, इस जगह पर है, नदी पार क्रॉस करके लेटा है वहाँ पर, ये जो फोटो चल रहे हैं देखिए उसी के हैं। तो गाइस बहुत लक्की लोग हैं हम, बहुत जिसे बोलते हैं ना वो रियर केस में देखने को मिलता है। और ये अभी इससे पहले मैंने बताया था, हम लोग बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन हमें आज तक देखने नहीं मिला, नहीं फर्स्ट टाइम हमें देखने में। गौरव भाई ने पहले भी देखा है यहाँ पे। वाह तो गाइस आज यकीन मानिए जो ये लिखा है ना क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट, आज इसका लिखा होना सफल हो गया। हमें देखना, हमें जो मिल गया और कुछ ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको क्यों ना ब्लैक एंड वाइट कर दिया जाए, बताना मत किसी को है, हम रामनगर से हैं। और अभी हम हैं बिल्कुल प्रॉपर मरचूला, अभी हमने मरचूला का जो वो ब्रिज क्रॉस किया है, हम हैं यहाँ प्रॉपर मरचूला में। अब देखते हैं यहाँ कहीं बढ़िया सा कुछ खाने के लिए मिलता है, खाना खाने के बाद सीधा फिर निकलेंगे घर को। तो मरचूला से थोड़ा सा ऊपर आए हैं हम एक ढाबे में, यहाँ करते हैं थोड़ी पेट पूजा और उसके बाद निकलेंगे घर को। तो खाने के लिए हमने अंकल को बोल दिया है, सादा खाना है यहाँ पे, केवल दाल चावल। गौरव भाई का भी परहेज चल रहा है, वो लहसुन प्याज वाले ही
बिना वाला खाते हैं तो वो मिल नहीं रहा है इनके लिए, तो आप चाय, आपके लिए चाय ऑर्डर कर दी है। और मन्नू भाई बन ले लो कुछ, और पुनीत भाई हमने अपने लिए चावल ऑर्डर कर दिए हैं। ठीक है, तो भैया जी ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। फिर मन्नू भाई आज पूरा एंडोरमेंट हो गया है, आगे करो। हाँ, ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, पेट पूजा करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज आपको ब्लॉग बहुत इन्जॉयमेंट रहा होगा, ब्लॉग को आप अच्छा लगा हो आपको ब्लॉग, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाय बाय।